शिवानी का प्रश्न है, क्या जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है? यदि हाँ तो कैसे पता लगे कि क्या करना है? क्या प्यासे के लिए पानी आवश्यक है? तुम्हारी जो हालत है, तुम्हारे पास तो एक समुचित लक्ष्य होना ही चाहिए। और होना चाहिए की बात भी बाद की है। लक्ष्य तो सदा तुम्हारे पास होते ही हैं। यहां कोई ऐसा नहीं बैठा जो क्षण मात्र के लिए भी लक्ष्यों से खाली हो जाता हो। हमारे पास सदा लक्ष्य होते हैं। हाँ, कभी हमें अपने लक्ष्यों का पता होता है और कभी नहीं होता। हम जब सोच विचार कर लक्ष्य बनाते हैं तो हम कहते हैं मेरे पास एक लक्ष्य है। और जब हमारे लक्ष्य हमारी आदिम वृत्ति से उठते हैं तो हमें चैतन्य रूप से उन लक्ष्यों का पता ही नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता। तो हम कह देते हैं अभी तो मैं लक्ष्यहीन चल रहा हूं। हम लक्ष्यहीन कभी नहीं होते। हमारे पास सदा लक्ष्य होते ही होते हैं। तो सवाल का जो पहला हिस्सा है कि क्या जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है, ये तो प्रश्न ही निरर्थक हो गया, क्योंकि लक्ष्य तो है ही। तो ज्यादा सार्थक प्रश्न यह हुआ कि कौन सा लक्ष्य चुने। देखो सबसे पहले कि तुमने लक्ष्य बना किसको रखा है। लक्ष्यों को लेकर तुम्हारे पास चुनाव का अधिकार तो तब आएगा ना जब पहले तुम्हें पता हो कि तुम्हारा लक्ष्य है क्या। अक्सर तुम्हें पता ही नहीं होता। गौर करिएगा इस बात पर, हम अपने आप से इतने अछूते रहते हैं, हम अपने प्रति इतने अज्ञान से भरे होते हैं कि हम नहीं जान रहे होते कि हमें कौन सी चीज़ खींच रही है। कोई बड़ी बात नहीं कि तुम अपने आप को यही बता रहे हो कि तुम मंदिर की तरफ जा रहे हो और तुमने अपने आप को बिल्कुल आश्वस्त कर रखा है कि जा तुम मंदिर की ओर रहे हो। लेकिन बस संयोग की बात है कि इन दिनों मंदिर के आसपास एक सुंदर स्त्री घूमती हुई पाई जाती है। बस संयोग की बात है। क्या संयोग की बात है बोलो? तुम्हारा चैतन्य मन नैतिकता से भरा हुआ होता है, वो तुमको ये कभी स्वीकार नहीं करने देगा कि तुम मंदिर की ओर भी इसलिए जा रहे हो क्योंकि वहां पर एक आकर्षक स्त्री घूम रही है। तो तुम अपने आप को खूब समझा कर रखोगे कि मैं तो भक्ति से ओतप्रोत हूं इसलिए जा रहा हूं मंदिर की ओर। बल्कि अगर कोई तुम्हें ये इशारा दे देगा कि बेटा तुम मंदिर की ओर इसलिए जा रहे हो क्योंकि वहां वो घूम रही है, तो तुमको बड़ा बुरा लगेगा। ऐसा लगेगा तुम्हें जैसे तुम्हारे दामन पर छींटे मार दिए गए हो, तुम्हारे चरित्र पर दाग लगा दिया गया हो। पर बात यही है, हमें हमारे लक्ष्य का नहीं पता होता। असली लक्ष्य कुछ और होता है। हमारे लक्ष्यों में धूर्तता खूब छुपी हुई होती है। जिन दिनों मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करता था, उन दिनों अन्य परीक्षार्थियों से, आवेदकों से भी मिलता था, किसी से भी पूछो कि क्यों जाना है भाई प्रशासनिक सेवाओं में, क्या चाहते हो? देश की सेवा करनी है, नया भारत बनाना है। और अपनी तरफ से वो झूठ नहीं बोल रहे, उन्हें यही लग रहा है कि उनका लक्ष्य यह है कि वो नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं। अब बस एक छोटा सा संयोग यह है कि उनमें से अधिकांश लोग आज अव्वल दर्जे के घूसखोर हैं। आपको नहीं पता होता कि आपकी असली मंशा क्या है। आप अपने आप को यही जता रहे होते हो कि मैं सरकारी अफसर बनना चाहता हूं समाज और देश की सेवा करने के लिए। असली इरादा कुछ और होता है, वो छुपा बैठा होता है।
पहले ये तो देख लो कि तुम्हारे अंतर जगत में कौन से लक्ष्य छुपे हुए बैठे हैं, पहले ये तो देख लो। एक बार ये देख लिया कि कौन से लक्ष्य पहले से ही विराजे हुए हैं, फिर समझ जाओगे कि लक्ष्य क्या होना चाहिए। मैंने बहुत दफे कहा है कि असली लक्ष्य है लक्ष्यहीनता, और लक्ष्यहीनता कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि हमारे पास अनगिनत लक्ष्य हैं और बड़े गड़बड़ लक्ष्य हैं, हमें नहीं पता हमारे लक्ष्यों का। ऊपर ऊपर से हमारे इरादे पाक साफ होते हैं और भीतर हमारे एक शैतान बैठा है। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि आपको शैतान का पता ही नहीं है, आपने उसे जानबूझकर नहीं छुपा रखा। जितना वो दूसरों से छुपा हुआ है, उतना ही वो आपकी आंखों से भी छुपा हुआ है, वो आपको भी धोखा देकर छुपा हुआ है आपके भीतर। और आपके सारे लक्ष्यों का निर्धाता वही शैतान है। तो इसलिए आवश्यक है लक्ष्यहीनता, क्योंकि फिर लक्ष्यहीनता का अर्थ होगा शैतानहीनता। बड़ी ईमानदारी चाहिए अपने असली लक्ष्य को बेनकाब करने के लिए, बड़ी ईमानदारी चाहिए। आध्यात्मिकता क्यों भली लगती है, क्यों जा रहे हो सत्संग की ओर? क्योंकि साहब हमें मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। और मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो सत्संगों में जाएंगे, आध्यात्मिक शिविरों में जाएंगे और वहां भी सामाजिकता का जाल फैलाएंगे। कह तो ये रहे हैं कि हम मुक्त होने के लिए, और मुक्ति में तो समाज से मुक्ति भी शामिल है ना, कह तो यही रहे हैं कि हम मुक्त होने के लिए जा रहे हैं अध्यात्म की ओर, पर वो अध्यात्म में जाकर के फंदा और फैला रहे हैं, जाल और बढ़ा रहे हैं, 50 और नए लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, दुनियादारी की एक मंजिल और खड़ी कर रहे हैं। असली इरादा क्या है वो सामने लाया करो, और असली इरादा सामने लाने का एक लाभप्रद तरीका होता है कर्मों को देख लेना, बातचीत पर मत जाओ। असली इरादा क्या है ये आचरण से, व्यवहार से, जीवन से जाहिर हो जाता है। कोई तुमसे वादा ही किए जा रहा हो 6 महीने 8 महीने से, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करे कुछ ना। तो बेवकूफ होगे तुम अगर उसके शब्दों को कीमत दिए जाओ। असली इरादा तुरंत भाग जाओ। असली इरादा सिर्फ ये है कि ये आपको बेवकूफ बनाना चाहता है, उल्लू सीधा करने का इरादा है, वादाखोर है। लक्ष्यहीन हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो लक्ष्य पनप रहे हैं, जो तुम इरादे बांध कर बैठे हो, वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। अच्छे इसलिए नहीं हैं क्योंकि तुम्हारे हैं ही नहीं, वो किसी और के इरादे हैं। जिसके इरादे हैं वो तुम्हारा दोस्त नहीं है।